हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई एसएसडी सामने अपने खड़ी है 2023 जैपनीज एसयूवी का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट यही है। रीजन क्या है? रीजन है भाई, रिक्वायरमेंट के जो सारे फीचर्स होते हैं इसी वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। जरूरत के सारे फीचर, जैसे अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, 7 इंच का एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों चीजें मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ हेडरेस्ट को देखते हैं, चारों अपने एडजस्टेबल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल। साथ ही साथ आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। सामने की बात करें, यहाँ पे अपनों को 3D में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अपर साइड में देखते हैं फ्रंट में, यहाँ पे क्रोम का यूज मिलता है, जो कि अपना दोनों तरफ मिलता है, यू शेप में मिलता है, कंपनी फिटेड है। ग्रिल पर नजर जाती है, डार्क ग्रे कलर में पूरी ग्रिल ऑफर की जाती है। क्लोज ग्रिल है, याद दिलाती है नेक्सॉन की। सामने से ग्रिल को देखते हैं, यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट की जगह होगी। यहाँ पर भी आपको टच मिलता है, डार्क क्रोम का टच मिलता है अगेन, जो देखने में मस्त लगती है। तो इस तरह से मिल जाती है फ्रंट प्रोफाइल। चौड़ाई की बात करें, जबरदस्त मिल जाती है 1790 mm। वेरियंट नहीं बताया ना, वेरियंट बताया। वेरियंट की बात करें तो ये अपना VXI वेरियंट अपने सामने। यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्टर हेड लैंप आपको ऑफर किया जाता है, यही अपना लो बीम हाई बीम का काम करता है। और आपको कोई भी बल्ब नहीं मिलता हैलोजन में, और क्या चीजें यहीं पे अपनी मिल जाती है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट इस तरह से, कोल्डिंग लैंप आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इस तरह से लाइट यूनिट मिल जाती है। और नीचे की साइड देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलता। आपको हाउसिंग दे रखी है, एसेसरीज से लगवा सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट भी आप लगवा सकते हैं। इस तरह से है फ्रंट प्रोफाइल, सेकंड वेज वेरिएंट अपने सामने है, VXI बोलते हैं। ये है अपना टायर साइज, यहाँ पर देखते हैं ये अपना एसेसरीज का पार्ट है। जब देखते हैं भाई साइड बॉडी क्लाइडिंग को, ये इस तरह से चौड़ी चौड़ी जो क्लाइडिंग है ना, ये अपना मिल जाता है एसेसरीज का पार्ट। और क्या चीज़ है, यहाँ पर कैलिपर को देखते हैं, सिल्वर कलर के मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें, उससे पहले MRF का टायर आपको मिलता है। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी मिल जा रही है ना, देखो इस तरह से नजर आती है, तो ये मिल जा रही है 215/60 और 16 इंच की पूरी प्रोफाइल मिल जाती है। 215 मिल रही है अपनी चौड़ाई। इस तरह से फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर साइड में अपने ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर ORBMs की बात करें तो यहाँ पे अपने सेम बॉडी कलर ORBM दे रखे हैं। यहीं पे अपनों को 10 इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। साथ ही साथ ORBM में और कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि अपना 360 व्यू तो आता ही नहीं है। पिलर पे नजर जाती है, ए पिलर अपना इस तरह से ब्लैक्ड आउट हो गया। बी पिलर की बात करें तो ये भी अपना ब्लैक्ड आउट दे रखा है, जैसे आगे है भाई वैसे ही पीछे मिल जाता है। और की चीज, सेम बॉडी कलर हो गए अपने डोर हैंडल। यहाँ पे साइड मोल्डिंग की बात आती है, जो आपको दिख रहा है ना सिल्वर टच, ये अपना एसेसरीज का बात है। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में, ये है कुछ साइड प्रोफाइल। टोटल लेंथ की बात करें 3995 mm है। व्हील बेस की बात करें 2500 mm का है। ग्राउंड क्लीयरेंस को देखते हैं ना, ये मिल जाता है 198 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस। साथ ही साथ हाइट की और बात करें, हाइट कितनी मिल जा रही है, हाइट मिल जा रही है भाई 1685 mm। रियर साइड में देखते हैं, यहाँ पे अपने ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। फील फिलर कैप की बात करें, पेट्रोल आती है तो यहाँ पर कैपेसिटी मिल जाती है अपनी 48 लीटर की पूरी कैपेसिटी है। अब वेरिएंट एक बार फिर से बता देता हूँ, VXI वेरिएंट अपने सामने है, सेकंड वेज वेरिएंट। प्राइस की बात करें, कीमत की एक शोरूम पर जा रही है 9,60,000। ऑन रोड की बात करें, सब कुछ मिला के 10,80,000 ऑन रोड पर जा रही है। ये है कुछ रियर का मामला। यहाँ पर देखते हैं सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ब्रेजा यहाँ पे मेंशन किया गया अपना। इसको हटा के कुछ भाई तो भाई रेंज रोवर भी लिखवा दिया है, लिखवाना नहीं लिखवा चुके हैं। यहाँ पे अपनों को ये मिल जा रहा है डिफोगर, ये हो गया हाइट स्टॉप माउंट लैंप। ऊपर देखते हैं सार्फिन एंटीना, तो यहाँ पे भाई अपना वाईफाई नहीं मिलता है। ये हो गए अपने 1, 2, 3, 4 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ पीछे भी वही टच मिल जाता है, रिफ्लेक्टर हो गए अपने इस तरह से पीछे बम्पर गए। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है अगेन। अब देख लेते हैं बूट स्पेस, बूट स्पेस कितना मिल जाता है ना, तो ये है कुछ अंदर का मामला, अंदर का सीन। बूट स्पेस की बात करें, 328 लीटर का बूट स्पेस है। अभी यहाँ पे अपने गाड़ी के व्हील कैप पड़े हुए हैं, जो कि अपनों को कंपनी की तरफ से मिलते हैं। आपको स्पेयर बेल्ट टायर भी मिल जाता है, सेम प्रोफाइल के साथ आता अपना स्पेयर बेल्ट टायर। अभी भाई मतलब भीड़ भाड़ सी हो रही है अंदर, तो भाई उठा नहीं सकता अपना, कर्टन्स को नहीं दिखा सकता, क्या बोलते हैं अपने स्पेयर बेल्ट टायर को। ये है अपना टेल लैंप। टेल लैंप की बात करें, ये हो जाता अपना LED में पूरा सेक्शन। यहाँ पे देखते हैं अपना जो ब्रेक लाइट है, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर हैलोजन में मिल जाते हैं आपको। इस तरह से पूरा रेंज रोवर वाला फील आता है पीछे से देखने में। अब आ जाती है कहानी इंटीरियर की, इंटीरियर में क्या क्या आपको ऑफर किया जाता है वो चीज़ और देख लेते हैं। ये है कुछ डोर ट्रिम, डोर ट्रिम की बात करें क्या बात है, पूरा आपको ब्लैक आउट ही मिल जा रहा है। इस वाली चीज को देखते हैं तो इस सारे में आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, यानी कि फैब्रिक।
यहाँ पे ऑल फॉल चारों पार विंडो हो गए, ऑटो टच अपना ड्राइवर साइड मिल जाता है, उसी के साथ साथ ये हो गया चाइल्ड लॉक, ये अपने अपने मिल जाते हैं, और भी एमसी कंट्रोल डोर हैंडल हो गए, यहाँ पे अपने को बोतल स्पेस, ये हो गया अपना डॉक्यूमेंट स्पेस, ये अपनों को स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर कहाँ गया, ट्विटर की प्लेसमेंट ये मिल जा रही है आपको, क्या बात है, ट्विटर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो और क्या है, हाँ सीट की बात कर लें तो सीट अपनी फैब्रिक की आती है, ये अपने एसेसरीज का पार्ट है, अंडर थाई सपोर्ट जैसे मैं बताता हूँ मस्त मिल जाती है, क्या बात है। यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, राजा वाला ऑप्शन, ये अपने हेडरेस्ट हो गए, एडजस्टेबल बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में और देख लेते हैं क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है बेस मॉडल के अंदर, बहुत बढ़िया। पहले करते हैं अपने दरवाजे को यहाँ से बंद, क्या बात है। अंदर की बात करें सबसे पहले भाई, स्टीयरिंग देखो लग रहा है बेस वेरिएंट का, नहीं लगता ना, रीजन क्या है, रीजन है भाई प्रीमियमनेस। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कंट्रोल भी मिल जाते हैं अपने, ये जो कंट्रोल मिल जाते हैं इधर अपने मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया। पियानो ब्लैक फिनिश में, इसके ऊपर आते हैं अभी बाद में, कर लेते हैं पहले बात यहाँ की। ये है कुछ स्टीयरिंग, यहाँ पे अपने को सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ये जो आपको मोड मिल जाते हैं ये अपने मिल जाते हैं बताई दिए मैंने। यहाँ पे अपने को टेलीफोनी के वॉइस कमांड के प्यारे से ऑप्शन मिल जाते हैं इसी वेरिएंट से, देख रहे हो ये बटन दे रखे हैं स्टीयरिंग में। डी कट में अपना स्टीयरिंग है, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है, क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, लेदर रैप नहीं है, सॉफ्ट प्लास्टिक ही मिल जाता है। की नहीं मैंने दिखाई है, की ओ की और दिखा देता हूँ, ये है कुछ की। की की बात करें तो यहाँ पे आपको दो दो बटन मिलते हैं की के अंदर, सेंट्रल लॉकिंग की है, लॉक अनलॉक के दो ही बटन हो गए, पीछे अपना सुजुकी का लोगो सेम की है, लगा लेते हैं। पेडल्स को देखते हैं तो अपना है मैनुअल वेरिएंट, इस तरह से लगा लेते हैं इसको, इसकी जगह पे कर लेते हैं ऑन एक बार ना, क्योंकि क्लस्टर देखना है क्लस्टर किस तरह का मिल जाता है, तो भाई इसी हाथ से करनी पड़ेगी अपनी चाबी को ऑन, बहुत बढ़िया। ये है कुछ सामने के नज़ारे भाई, उल्टे हाथ से तो होती नहीं है, लेफ्ट वाले से राइट से करनी पड़ी है। ये है कुछ सामने, सामने देखते हैं तो आपको बिग साइज की अपनी मिल जाती है MID, इसको करते हैं पहले स्टॉप, AC को कर लेते हैं यहाँ से ऑफ, हाँ यह हो गया अपना, इधर अपना RPM मीटर हो गया, ये अपनी MID हो गई है, अपना हो गया स्पीडोमीटर, 220 की 220 की मिल जाती है मैक्सिमम स्पीड, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आती है, यहाँ पर भी आपको स्टिकर मिलेगा, ये अपना स्टिक मिल जाता है। यहाँ से करेंगे अपनी MID को कंट्रोल, मैं दिखा दूँ आपको, किलोमीटर हो गया, एवरेज हो गई, रेंज हो गई, सारा आपको यहीं से इसी से करना पड़ेगा। ये आपको मिल जाता है ट्रिप वाला स्टिक, यहाँ से अपनी कर सकते हैं ट्रिप को सेट, AV ट्रिप जो आती है ना अपनी, दोनों ट्रिप यहीं से सेट कर सकते हैं। ये अपने वाइफर के कंट्रोल हो गए, इधर हो गए अपने लाइट के कंट्रोल, ये हो गए, बहुत बढ़िया। स्टीयरिंग में आ जाते हैं सेंटर कंसोल में, ये है कुछ सेंटर कंसोल, सामने की बात करें इसको कट कर देते हैं यहाँ से। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले दोनों चीजें मिल जाती हैं आपको, कंपनी फिटेड अपना है ये, अपना जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ से कर सकते हैं इसको ऑफ, ये हो गया अपना बंद। यहाँ पे अपनी घड़ी बड़ी आ गई, ये अपने AC के इवेंट्स हो गए दो, यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन, टोक टोक टिक टोक कर लेते हैं बंद। AC की तो कंट्रोल आपको यहाँ पे अगेन आपको ऑटोमेटिक ऑफर किए जाते हैं, यहाँ से आप AC को कर सकते हैं, यहाँ से हो चुकी है अपनी, चलने दो भाई यार थोड़ा सा हवा हुआ आने दो, ये हो गया अपना AC, यहाँ से कर सकते हैं ऑफ, इसको थोड़ा सा लो साइड पे कर लेते हैं अपना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपनों को सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का 120 वाट के साथ, यहाँ पे USB का सपोर्ट हो गया, फोन रखने के लिए स्पेस हो गया। ये अपना गियर नॉक के, गियर नॉक की बात करें 5-speed गियर बॉक्स है जैसे कि मैंने बताया, ये है अपना मैनुअल देख लो। यहाँ पे आपको शार्टन जो सिल्वर शार्टन होती है ना, उसका ग्रे वाला जो पार्ट होता है ना वो फिनिशिंग मिल जाती है, इस तरह से प्रीमियम लगती है। यहाँ पे अपनों को हो गए दो का फोल्डर, हैंड ब्रेक क्रोम के साथ, यहाँ पे अपनों को बोतल स्पेस, अगेन कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, पर टेक्सचर आपको कुछ अलग अलग का टेक्सचर मिल जाता है, मस्त लगता है। ट्विटर आपको वहां पे मैंने दिखाया नहीं दिखाया, इधर इधर नहीं दिखाया ना, यहाँ पर भी मिल जाता है। AC का वेंट्स हो गया। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये है कुछ अपना ग्लव बॉक्स, बहुत बढ़िया कर देते हैं मंद। ऊपर की बात करें तो कोई भी आपको यहाँ पे देखते हैं मिरर नहीं मिलता है अपना टिकट होल्डर में, और यहाँ पे अपना कॉलिंग का माइक हो गया, डे नाइट मिरर हो गया, मैनुअली एडजस्ट इस तरह से ये दे रखा है अपना डंडी। यहाँ पे आपको वाजी, यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, बहुत बढ़िया। और क्या चीज़ है यहाँ पर देखते हैं तो पीछे भी आपको रियर साइड में केबिन में अपना लैंप मिल जाता है,
ठीक, ये हुआ इंटीरियर की कहानी। तो आपको दो ही एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं अपने रियर साइड की तरफ, रियर में और देख लेते हैं कितना स्पेस आपको मिल जाता है। चाबी को कर देते हैं यहाँ से बंद और खोल लेते हैं अपने दरवाजे को, क्योंकि जाना है रियर साइड में। रियर साइड में क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो चीज और देख लेते हैं, और कितना स्पेस ऑफर किया जाता है यहाँ से कर लेते हैं ओपन। इंजन की बात आगे करेंगे भाई, क्योंकि अपना पूरा लीवर व्यूवर खींचना पड़ता है। ये है कुछ डोर ट्रिम की बात करें, यहाँ पे आपको आगे की तरह सॉफ्ट टच मिल जाता है, फैब्रिक बढ़िया बात है भाई, कुछ भी कोस कटिंग नहीं। यहाँ पे अपनों को हार्ड डिटेक्टर है, अपना डोर हैंडल हो गया, उसी के साथ साथ ये अपना पावर विंडो हो गया। नीचे देखते हैं ये अपना बॉटल स्पेस, यहाँ पे अपनों को स्पीकर, चार स्पीकर, दो ट्यूटर मिलते हैं। पीछे आपको ट्यूटर नहीं मिलता है, बस आगे ही आगे मिलता है अपना, और हाँ स्पीकर तो मिल ही जा रहा है ना, तो ट्यूटर नहीं मिलता है पीछे। अब बात करते हैं यहाँ की हेडरेस्ट की, आगे के बिल्कुल एडजस्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, रियर साइड में मस्त मिल जा रही है, जैसे मैं बताता हूँ क्या बात है भाई। रियर साइड के भी देख रहे हो एडजस्टेबल है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं हेडरेस्ट को, बहुत बढ़िया। अब बैठ लेते हैं गाड़ी के अंदर, स्पेस के ऊपर बात करते हैं, स्पेसली कितना स्पेस मिल जाता है। तो ये है कुछ स्पेस, मेरी हाइट जबरदस्त मिल जाती है, उसके बाद भी स्पेस बढ़िया बच जाता है, क्या बात है। और क्या चीज रहेगी, हाँ सीट को देखो भाई, पूरी पीछे कर रखी है मैंने, तब भी स्पेस अच्छा बच जाता है, क्योंकि व्हील बेस ही जबरदस्त मिल जाता है। सेंटर में देखते हैं दो दो एसी के इवेंट्स मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ अपने चार्जिंग पॉइंट हो गए। पीछे से देखते हैं कुछ इस तरह का नजर आता है, अल्टीमेट लग्जरी प्रीमियम से लग रहा है ना, और अपना ऑल न्यू जनरेशन तो कुछ और ही अलग कर दिया भाई कंपनी ने। क्या है रीजन, क्या है रीजन है भाई, जैपनीज एसयूवी अपनी जबरदस्त, सेफ्टी फीचर्स भी जबरदस्त मिल जाते हैं अपने। साथ ही साथ सूट की बात करूं, मैं कहां पर सूट कर रहा हूं, दिल्ली रोड मुरादाबाद सिटी के अंदर इस टाइम मैं सूट कर रहा हूं। यहां का जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपना इंजन के ऊपर है ना, उसके लिए अपना खोलना पड़ेगा फिर से अपना आगे का दरवाजा, क्योंकि भाई अपना जो लीवर होता है ना वो तो खींचने पड़ेगा बोनिट खोलने के लिए। कहाँ गया अपना, ये अपना मिल जाता है तेल के लिए, ये दूसरा वाला ऑप्शन मिल जाता है जो अपनों को काम है उसका, किसका, बोनिट खोलने के लिए। ये है कुछ आ जाते हैं, क्या बात है, कहाँ गया अपना बटन खोलते हैं उसको, लीवर वो खींचना पड़ता है ना कभी कभी भाई, मतलब हाथ नहीं लगता यार, मतलब क्योंकि फोन वगैरह हाथ में रहता है तो ईजिली हाथ नहीं आता। चलो भाई खुल ही चुका है, बहुत अल्टीमेट भारी भरकम मिल जाता है अपना भाई बोनिट जबरदस्त, बहुत भारी है भाई, सीरियसली बहुत भारी है अपना बोनिट। ये है कुछ अंदर का नज़ारा, अंदर का मामला। इंजन की बात करें, वही अपना 1500 सीसी का इंजन ऑफर किया जाता है, फोर सिलेंडर जो अपनी पावर प्रोड्यूस करता है 101 bhp, 136 nm का टॉर्क, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अपना, पेट्रोल देख रहे हो इस तरह से, V6 फेस लिफ्ट तो है ही अपना। ये कुछ अंदर के सीन मिल जाते हैं, क्या बात भाई, सच में बहुत भारी भरकम अपना बोनिट मिलता है। कपड़ा वपड़ा लगा के दे रही है जैपनीज, देख रहे हो बहुत बढ़िया, रिफाइनमेंट के लिए। रिफाइनमेंट तो भाई पहले से ही जबरदस्त है मारुति का जो पेट्रोल इंजन है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो चली, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पर देखने के लिए आप दिल से शुक्रिया।